डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास एट का एनसीईआरटी मैथ क्लास एट का ये एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें तीन क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है। और इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए कह रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर है और इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, इसको निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को ही रेसिप्रोकल बोला जाता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग को जानना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। तो जो नंबर दिया हुआ है ये 13 हो गया फर्स्ट नंबर में, और यहाँ पे मल्टीपल बोल रहा है तो मल्टीप्लाई करना है इसको, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है ये हमको पता नहीं, यही निकालना है हम लोग को। इक्वल टू हम लोग को क्या मिलना चाहिए, 1, इसमें 1 मिलना चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ x है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जिसकी मल्टीप्लाई हम लोग देख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे इक्वल टू के इधर। तो x हम लोग को निकालना है, x इक्वल टू, तो ये 13 जो है वो इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 है, 1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर जाके ये हो जाएगा डिवाइड -13। तो -13, तो ये जो है इसका मतलब है कि माइनस जो नीचे या ऊपर जहाँ भी हो ऊपर ही चला जाता है, इसका मतलब है -1/13, ये कटने वाला है नहीं। तो इतना ही जो है इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 -1/13। तो फाइनली हम लोग क्या पा रहे हैं, जो नंबर हम लोग के पास है वो जस्ट उलट जा रहा है। माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, सिर्फ वो उलट जा रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है जो नंबर हम लोग को दिया हुआ है वो जस्ट उलट जाएगा। तो इसका हम लोग सिंपली, इसको मैंने डिटेल में बता दिया, अब इसको जो है डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। इसको क्या करना है, इसको उलट देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 19 जो है ऊपर चला जाएगा और माइनस जो है हमेशा ऊपर ही रहता है, ध्यान रखना है। माइनस नीचे भी लिखा रहेगा तो समझना है कि वो ऊपर है। तो -19/13 ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है 1/5 लिखा हुआ है, तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 अगर इसको हम उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 5/1 हो जाएगा, 5/1, और 5/1 का मतलब होता है 5 ही होता है, 5। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा इसका। रेसिप्रोकल ये हो गया 5/1, तो 5/1 का मतलब 5, तो इसीलिए इसका आंसर 5 हो गया। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 3 = 15। अगर ये कटने वाला है तो काटते हैं, कट कहीं नहीं रहा है, दोनों जो है 3 तो यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो ये कटने वाला है नहीं, इसीलिए 5 × 3 = 15 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 + 15 और 8 × 7 = 56। मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू ये बन गया, इसका रेसिप्रोकल जस्ट उलट जाएगा, 56 ऊपर चला जाएगा, 56/15। यहाँ तो माइनस को है नहीं, सब प्लस है, इसीलिए ये प्लस ही रहेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। दो पार्ट इसमें और दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे -1 से इंटू करना है इसको, तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 हो गया, तो मतलब 2 हो जाएगा, 2/5। तो रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा, ये उलट जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, 5/2, और ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर लास्ट पार्ट यहाँ जो दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, और इसमें -1 को अगर हम उल्टेंगे तो क्या होगा, 1/-1, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, ये चला गया ऊपर, तो फिर इसका वैल्यू सेम वही हो गया -1। तो मतलब -1 जो है इसका रेसिप्रोकल -1 ही होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 ही होगा, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।